हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन में मैक्स प्लेयर का यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैक्स प्लेयर के एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि इसमें एक न्यू फीचर जोड़ा गया। और साथ में आपने मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सी ट्रिक है जो कि आपको मैक्स प्लेयर में अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको उस अपडेट के बारे में जानने के लिए और उस ट्रिक के बारे में जानने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए केपीआर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप एक मैक्स प्लेयर के बारे में नहीं जानते तो मैक्स प्लेयर एक तरह से एक वीडियो प्लेयर है जो कि कई तरह के फॉर्मेटों को सपोर्ट करता है और आपके फॉर्मेटों को सपोर्ट करके आपकी वीडियो को आराम से आपके फ़ोन में चला देता है, और जो कि एंड्रॉइड के लिए एक तरह से बेस्ट वीडियो प्लेयर है। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, आप जान तो गए होंगे और नहीं जानते तो आप अब जान गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है जब आप इसको ओपन करते हो, और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन अब देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले इसमें नहीं मिलते थे। आपको फ्री मूवी का ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एड्स आ रहे हैं कई सारे, कंटिन्यू वाचिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जो कि पहले एक तरह से सिंपल हुआ करता था। बस आप इसमें आपके फ़ोन में जो डाउनलोड मूवी होती थी कोई भी फॉर्मेट में हो वो इसको आराम से चला दिया करता था। अब आपको नीचे की साइड कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वीडियो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो मैक्स प्लेयर में। ऊपर की साइड से ऑप्शन है जो कि, और यहाँ पर आपको देख सकते हो नीचे जाओगे तो सारी वीडियोज़ है जो कि यूट्यूब वाली होती है, कोई शायद ही इसको देखता हो, मैं तो नहीं देखता इसमें, मैं यूट्यूब में जाके वहाँ पे अपनी वीडियोस देख लेता हूँ। और नीचे की साइड आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो म्यूजिक बाई गाना, जो कि गाना ऐप है जो कि उससे कनेक्ट है म्यूजिक आपका मैक्स प्लेयर एक तरह से, और यहाँ पर आप गाने भी इसमें सुन सकते हो। और नीचे की साइड आपको जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है मी, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो एक तरह से अकाउंट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके फेसबुक से आप इसको लॉग इन कर सकते हो। नीचे की साइड आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करने वाला था यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे की साइड सेटिंग में एक डार्क थीम का, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड है वो आपको बहुत इफेक्ट करता है जब आप अपना फ़ोन नाइट में यूज़ करते हो, जो कि आंखों पे बहुत जोर डालता है। और जब आप इसको नाइट डार्क थीम को क्लिक कर लेते हो तो आप देख सकते हो आपका फ़ोन का बैकग्राउंड है जो कि मैक्स प्लेयर का वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और आप देख सकते हो बिल्कुल आंखों पे नहीं चुभता और आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करने वाला था एक ऑप्शन के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो ट्रिक थी जो आपको इसमें अप्लाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो और भी ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि व्हाट्सएप आप स्टेटस हैं जो कि यहाँ पर आपके फ़ोन में जो है अभी लगाए हुए हैं दोस्त लोगों ने, उनको भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ चलो उस ट्रिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कई सारे ऐड देखने को मिल रहे हैं, कई सारा नेट आपका यहाँ पर वैसे ही यूज हो जाता है जब आप बस मूवी देखने के लिए आए हो आपके फ़ोन में जो डाउनलोड है, और यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो ये आपका डाटा एक तरह से यूज़ करता है। अब अपन को ये ऐड है ये नहीं चाहिए, डाटा नहीं जाना चाहिए, अपना डाटा सेव रहना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा इसके लिए। तो फ्रेंड्स, आपको आपके फ़ोन में जो सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है उसमें आपको जाना होता है, और उसमें आपको एक ऐप स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर मेरे फ़ोन में ऑप्शन सीधे ही मिल जाता है जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैनुअल पे, और जो कि आप देख सकते हो मैनेज ऐप्स का ऑप्शन होता है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर जाना है। और एक तरह से एप्लीकेशन मैनेजर जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपके फ़ोन में होता है सेटिंग में जाके, और वो आपको ढूंढ लेना है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मैक्स प्लेयर के बारे में तो मैं बता देता हूँ, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टोरेज के ऊपर, सॉरी स्टोरेज के नीचे जाओगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है सेकंड नंबर पे, और वही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा जो मैं यहाँ पर आपको सीधे ही दिखा रहा था। यहाँ पर आपको मैक्स प्लेयर सर्च करना है और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे की साइड से ऊपर की साइड के थर्ड नंबर का ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो तो देख सकते हो यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन है एक मोबाइल डाटा का, तो आपको ना आपको ये मैक्स प्लेयर में वाईफाई का मतलब डाटा देना है और ना ही आपको अपने मोबाइल का डाटा है वो देना है, तो आपको इन ऑप्शन को ऑफ कर देना है और उसको ओके कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको मैं अब मैक्स प्लेयर को ओपन करके दिखाऊंगा, जो कि आप देखोगे यहाँ पर अब मैक्स प्लेयर में जो डाटा यूज कर रहा था अपना और उसमें जो एड्स आ रहे थे वो आ रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि डाटा यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ही बता दिया है एक तरह से कि आप इस परमिशन को अलाउ करिएगा, और ये आपके यहाँ पर देख सकते हो अब मेरा जो डाटा में जो ऐड आ रहे थे वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और जो पहले से इसमें लोड है वो देखने को मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हो वो भी कहीं कहीं पे लोड नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बोल रहा है रिट्राई, मतलब आप इसको कनेक्ट करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो ऐड था वो बंद हो चुका है और जो कुछ यहाँ पर सेव है वो हट जाएंगे धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका डाटा भी सेव हो जाएगा और इसकी जो ऐड आते थे वो सब कुछ यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं अपडेट के बारे में बता दिया हूँ और ट्रिक के बारे में बता दिया हूँ। दोनों कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को
शेयर कर देना। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और जाते जाते लास्ट में आपको फ्रेंड्स 3 वीडियोज़ देखने को मिल जाती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड आप उनको जरूर देख लेगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं ऐसी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।